हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मुझे आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, बदलनी है। और अभी मुझे बेडरूम की करनी है सफाई, तो पहले मैं इधर की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और थोड़ी सी डस्टिंग भी करूंगी। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर डस्टिंग वगैरह करूंगी। थोड़ी सी ही मतलब बंद था तो धूल मिट्टी सी लग रही है और सारा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ था, तो बस वही सब मैं सेट कर रही हूँ। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है तो साफ़ सफाई में ही लगी हूँ पहले। तो बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो रही है तो मुझे चेंज करनी है। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सीमा दीदी का लिंक अपने वीडियो में डालो, भेजो। तो मैं आप लोगों को सीमा दीदी का जो लिंक है अपने वीडियो के, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग जाकर सीमा दीदी को ज्वाइन कर लो। मैं काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप सीमा दीदी का जो लिंक है वो मुझे सेंड करो। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीमा दीदी की चैनल का लिंक डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वहां से दीदी को ज़रूर ज्वाइन करना। आप लोग सीमा दीदी को ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको रिटर्न में ज्वाइन करेंगी। अभी उनका अभी कोई वीडियो नहीं आ रहा है और अभी कुछ टाइम तक नहीं आएगा, और वो वीडियो डालेंगी जब वो वापस आएंगी मुंबई। अभी वो अपने घर अपने मायके में हैं। मतलब ऐसा होता है जब अंतिम संस्कार के बाद जो रीति रिवाज निभाए जाते हैं तो उसके बाद मायके का पग फेरा किया जाता है। तो क्योंकि मतलब जब तक मायके का पग फेरा नहीं होगा तब तक वो कहीं और नहीं आ जा पाएंगी, तो इसलिए वो अभी मायके के पग फेरे के लिए अपने मायके गई हुई हैं। और वहाँ से वो फिर 8-10 दिन के बाद मुंबई पहुँचेंगी, तब फिर वो अपना वीडियो डालेंगी। और उनके हस्बैंड को क्या हुआ, कैसे उनकी डेथ हुई वो मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि ये उनका हक है बताने का। तो इसलिए जब वो वीडियो डालेंगी तो वो खुद ही बताएंगी कि उनके हस्बैंड के साथ क्या हुआ और मतलब कैसे उनकी डेथ हुई और कैसे मतलब उन्होंने वहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए कितने परेशानियाँ झेली हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि वो मुंबई में बिल्कुल अकेली थी, उनका कोई भी रिलेटिव मुंबई में नहीं रहता है, इसलिए उन्होंने कैसे अपने पति का अंतिम संस्कार किया ये वही जानती हैं। तो ये सारी बातें तो वही शेयर करेंगी, मैं नहीं करूँगी, मुझे पता है लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी। ये सब सारी बातें हैं जो वो सीमा दीदी ही शेयर करेंगी अपने वीडियो में। तो इसलिए, और आप लोग लिंक मांग रहे हो तो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें भी लिंक दिया था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, उनके चैनल का नाम भी समझ में नहीं आया, सीमा फूड एंड ब्लॉग्स नाम है उनके चैनल का। और लिंक मैं अपनी इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ज़रूर से डालूंगी, और आप लोग ज़रूर जाके जो भी सीमा दीदी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से जाके उन्हें ज्वाइन करना, और रिटर्न में वो भी आपको ज्वाइन करेंगी। तो और मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी। और मैं कैसे उन्हें जानती हूँ अभी नहीं करूँगी, जब वो अपना वीडियो वहाँ डालेंगी उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा और उनका क्या रिश्ता है। तो बस यही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी। तो अभी तो मेरे बेड की चादर है जो मैंने चेंज कर दी है बेड सीट की, और लगाना है मुझे पोछा। अभी हमारे यहाँ पे तो हल्की हल्की जो सर्दी है सुबह शाम की,
स्टार्ट हो चुकी है और धूप बहुत हल्की निकलती है। मतलब नवंबर लास्ट है, सर्दी तो हो जाती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, पर सुबह शाम की जो ठंड है वो चालू हो चुकी है। धूप बिल्कुल हल्की हो गई है तो, लेकिन मतलब धुंध सी रहती है। मतलब मौसम जो है वो साफ नहीं रहता है, धुंधला धुंधला सा मौसम रहता है, जैसे ना पॉल्यूशन सा होता है ना, उस टाइप का रहता है। पर इधर इतना पॉल्यूशन नहीं है, दिल्ली में है, फिर भी मतलब यहाँ पे धुंधला धुंधला सा आसमान दिखता है और ऐसे ही लगता है जैसे चारों तरफ ना मिट्टी जैसी छाई हुई है। तो अभी दिवाली होके गई है तो पता नहीं इस करके तो मतलब एकदम मौसम साफ नहीं होता है, हल्का हल्का सा धुंध सी रहती है। वो मतलब ठंड वाली धुंध नहीं है, वैसी ही पॉल्यूशन वाली धुंध है जो रहती है हल्की हल्की से। और सुबह शाम की तो काफ़ी ठंड है इस टाइप की, स्वेटर वगैरह पहनने की ऐसी ठंड हो चुकी है हम लोगों के इधर तो। यहाँ पर आप भी दिख रही हो, मैंने दिख रही, और मेरा यहाँ का जो पोंछा है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ की सफाई हो चुकी है पूरी कंप्लीट। तो अभी मेरे कपड़े वगैरह पड़े हैं काफ़ी धुलने के लिए, तो मैं वो धुलूँगी।